इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं सुहाग थाली पूजा की किस तरह से तैयार की जाती है और सुहाग थाली हमें किसको देनी चाहिए और किस तरह से देनी चाहिए। और आपके पास सारा सामान नहीं है तो आप क्या क्या सामान किसी को दान में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना पसंद आए तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो सुहाग थाली में किस तरह से तैयार करनी है और किसको देनी है, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप हरियाली तीज, हरतालिका तीज, करवा चौथ, संतान सप्तमी, महालक्ष्मी की पूजा के लिए या किसी अन्य पूजा के लिए भी आप सुहाग थाली किस तरह से तैयार करें। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ली है यहाँ पे साड़ी। यदि आपके पास साड़ी नहीं है तो आप दुपट्टा भी रख सकते हैं, रूमाल भी रख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, यदि आप सुहाग थाली तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए जेंट्स के लिए भी कपड़े रखिएगा। यदि आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप कपड़े रख सकें जेंट्स के लिए, तो आप रूमाल भी रख सकते हैं। लेकिन आप जब भी सुहाग थाली तैयार करें, जोड़ा से ही तैयार करें, जैसे सास ससुर के लिए या ब्राह्मण ब्राह्मणी के लिए। अकेले सास को कभी भी नहीं दिया जाता है, ये शुभ नहीं होता है। ससुर के लिए हमेशा होने चाहिए, या ब्राह्मणी को देते समय एक ब्राह्मण के लिए रूमाल, अंगोछा, तौलिया कुछ भी आप रख सकते हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, आप इसकी जगह पांच पांच कपड़े भी रख सकते हैं अगर आपकी सामर्थ्य है तो, नहीं तो आप इस तरह से साड़ी, ब्लाउज और कपड़े, पैंट शर्ट का कपड़ा भी रख सकते हैं। और सबसे पहले आप दक्षिणा जरूर रखिएगा। दक्षिणा में आप अपनी सामर्थ्य अनुसार रख सकते हैं, जैसे 11, 21, 101, 500, जैसी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप दक्षिणा रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रखेंगे सीसा, यह है आलता वाला महावर। ये मैं 16 सामान आपको बता रही हूँ, इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा भी रख सकते हैं। और यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो 5-7 भी आप सुहाग का सामान रख सकते हैं। उसमें सिंदूर, मेहंदी, बिछिया और लिपस्टिक, महावर ये जरूर रखिएगा आप। ये मैंने कंघा रखा हुआ है, ये है क्रीम, बिंदी, यह है पाउडर, लिपस्टिक, मेहंदी, यह है नाखूनी, बिछिया। बिछिया कांसे के बहुत शुभ माने जाते हैं पूजा में, आप कांसे के साथ साथ चांदी की बिछिया भी दान कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये हैं चूड़ियाँ, आप 12 चूड़ी, 24 चूड़ी, 8 चूड़ी, 6 चूड़ी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भी दान कर सकते हैं। ये है तेल, ये है रबड़ और ये है सिंदूर, यह है क्लिप बालों के लिए और यह है मेहंदी, और एक मैंने हरी मेहंदी रखी हुई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपनी श्रद्धा के अनुसार सामान दान करें और संपूर्ण ये सुहाग थाली तैयार हो गई है। अब मैं बता देती हूँ आपको ये किस तरह से और किसको देनी है। आप ये अपनी सास को दे सकती हैं, ननद को दे सकती हैं, किसी भी मान्य को दे सकती हैं, अपने से बड़े किसी को भी दे सकती हैं। अगर कोई नहीं है आप तो पंडितानी को दे सकती हैं, किसी ब्राह्मणी को दे सकती हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं बता देती हूँ आप किस तरह से ये सारा सामान दे सकती हैं। आप किसी एक व्यक्ति को भी ये सारा सामान दे सकती हैं, वरना आप किसी भी एक महिला को ऐसे भी दे सकती हैं, दो दो करके, एक एक करके 3-4 महिलाओं को इस तरह से ये सामान दे सकती हैं। फ्रेंड्स, यदि आपकी सामर्थ्य हो और यदि आपके पास हो सके तो किसी को ये सामान दें, तो कोई फल मिठाई भी रख सकती हैं इसके साथ, बहुत शुभ होगा वो। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा रखें, आप थोड़ा भी कुछ फल या मिठाई इसके साथ रख के उस किसी को दान कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब हम दान करते हैं तो मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से हम सुहाग थाली को दान करते हैं। आप ये जल लीजिएगा, जल को इस तरह से रखिए आप इस जल इस पर, और इसके थाली के चारों ओर इस तरह से घुमा दीजिए।
अब हमारा ये सामान दान हो गया। हम इसे दान करना बोलते हैं, मंसना भी बोलते हैं इसे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच।